हाँ बेटा यथार्थ, हाँ जी आपको इन्विटेशन लिस्ट मिल गई, हाँ जी कार्ड मिल गए। हाँ जी अब कल सुबह से आपने जो है जितनी भी मैंने आपको लिस्ट दी है सबको जाकर आपने इनवाइट करना, प्रॉपर सबको बता के आना, प्रोग्राम के लिए सारी जानकारी देके इनवाइट करना है। शिवम, आपको ये स्टिकर लेने हैं, इस अपने एरिया के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं उन पर आपको स्टिकर लगाने हैं, प्रॉपर पेस्ट करने हैं, चारों साइड से कॉर्नर दबा करके प्रिंट करने हैं, ठीक है? ये आप संभाल लेना, ठीक है जी। पिताजी, हाँ जी, 2 अक्टूबर को जो सेवा वाले प्रोग्राम रखे हैं हाँ हाँ सैनिकों के साथ, हाँ क्या हाँ है? बेटा, ये एक ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है जिसमें आर्मी का एक ट्रांसफ्यूशन सेंटर है जो पूरे देश में जहाँ भी सैनिकों को, घायल सैनिकों को ब्लड की जरूरत पड़ती है वो सप्लाई करता है। तो आर्मी हॉस्पिटल से एक टीम आएगी, वो टीम यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होंगे, जो रक्तदान करेंगे, उनका ब्लड कलेक्ट करके उस हॉस्पिटल में ले जाएगी और जहाँ भी किसी सैनिक को ज़रूरत होगी वो उस खून को वहाँ पर सप्लाई करेंगे। ये काम है बेटा। तो मैं भी यहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? आपकी एज क्या है बेटा? 16 साल। नहीं बेटा, आप अभी ब्लड डोनेट करने के लिए आपको 2 साल रुकना पड़ेगा। ब्लड डोनेशन करने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होनी जरूरी होती है। इतना अच्छा काम करे सेवा दे और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते? नहीं बेटा, कर क्यों नहीं सकते, आप मेहनत करो, इतना ये काम है, इस काम में हाथ बटाओ, 2 साल तक ये सब चीज़ें सीखो। ये तो हमें हर साल लगाना है और 2 साल के बाद फिर डोनेट करना ब्लड, और हर 3 महीने पर डोनेट करना ब्लड। तो हर आदमी को डोनेट करना चाहिए, रक्तदान तो सबसे बड़ा दान माना गया है। क्या अंकल जी, रक्तदान मैं भी कर सकता हूँ? आपकी उम्र क्या है? 21 साल। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हो। 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है ना? अंकल जी, तो मैं, मेरे को भी रक्तदान करना है, तो इसके कैसे करेंगे? बेटा आप एक काम करो, ये देखो, ये हमारा जो है नंबर है 9136666768, 9136666668, इस नंबर पर आप कॉल करो, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम आप वहां पर नोट करा दो, और 2 अक्टूबर को समुदाय भवन DDA फ्लैट मानसो पार्क पे पहुंच जाना सुबह 8 बजे, और जाकर के आप रक्तदान करना। ये तो बड़ी अच्छी चीज है, रक्तदान करना चाहिए सबको जो भी कर सकता है, ठीक है? तो कौन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है अंकल जी, रक्तदान के फायदे क्या है? अगर कोई करना चाहे तो क्यों करे? अच्छा चलो, बड़ा अच्छा प्रश्न है आप दोनों के मन में। मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ कि ये ब्लड डोनेशन का पूरा कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या, ताकि आप लोगों को जानकारी रहेगी तो आप दूसरे लोगों को भी बता सकेंगे, ठीक है? आओ चलो बताता हूँ। देखो, तुम्हारे सामने एक बड़ा डब्लू बना हुआ है, हम इस डब्लू के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। WHAT, व्हाट? व्हाट माने क्या? क्या रक्तदान क्या है? आप कोई दान करते हो तो, जैसे मान लो आपने खाने का दान किया तो आपने खाना उठाया किसी भूखे को दिया, आपने कपड़े का दान किया तो कोई कपड़ा उठाया किसी जरूरतमंद आदमी को दान कर दिया। इस तरह से रक्तदान का मतलब है कि रक्त का किसी जरूरतमंद को दान करना। जरूरतमंद कौन है? कोई मरीज है, उसका ऑपरेशन होना है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, किसी सिपाही को चोट लग गई, उसके शरीर से खून बह रहा है, तो उसका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को खून की जरूरत होती है। तो व्हाट यानी क्या, रक्तदान क्या है? रक्तदान एक जरूरतमंद व्यक्ति को अपने खून का दान करना है, ठीक है? समझ गए कांसेप्ट? अब सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हु। हु माने कौन? कौन कर सकता रक्तदान? कौन कर सकता रक्तदान करने के लिए? सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो होती है कि आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन 12.5 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, और आपका BP नॉर्मल होना चाहिए, कोई आपकी किसी गंभीर बीमारी की दवाई ना चल रही हो। अगर ये सब चीजें आपकी शर्तें पूरी होती हैं तो आप रक्तदान कर सकते हैं। अब इसका ही एक अपोजिट क्वेश्चन, कौन नहीं कर सकता, किस किस को रक्तदान नहीं करना चाहिए? तो एक तो जो लोग इंसुलिन लेते हैं उन्हें रक्तदान नहीं करना चाहिए, HIV पॉजिटिव और उनके पार्टनर को रक्तदान नहीं करना चाहिए, किसी का ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो, हार्ट अटैक आया हो, उसे ब्लड डोनेशन नहीं करनी चाहिए, अस्थमा की बीमारी वाले को, जिसकी सांस फूलती हो, जिसकी छाती में दर्द रहता हो, उन्हें नहीं करना चाहिए, कैंसर की किसी की सर्जरी हुई हो उसे ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, दिल की बीमारी की अगर कोई दवा ले रहा है तो उसे ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, कुष्ठ रोगी है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, अगर किसी को ब्लड चढ़ा है
आपने ब्लड डोनेट किया तो किसी को चढ़ेगा, तो जिसे ब्लड चढ़ा है ब्लड चढ़ने के एक साल तक वो किसी और को ब्लड नहीं दे सकता। मलेरिया का अगर किसी को बुखार हुआ है तो मलेरिया का बुखार होने के 3 महीने तक वो किसी को खून नहीं दे सकता। डेंगू और चिकनगुनिया का रोगी 6 महीने तक किसी को खून नहीं दे सकता। जिसने शरीर पर अपने टैटू बनवाया होगा वो टैटू बनवाने के 1 साल बाद ही किसी को खून दे सकता है। ठीक है, तो ये हम समझ गए कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वैन। वैन यानी कि कब आप खून कब दे सकते हैं। एक व्यक्ति आज अगर खून देता, अगर सारी शर्तें उसकी पूरी होती है खून देने कंडीशन में, तो आज वो खून देता, उसके बाद उसे 3 महीने के बाद खून देना होता है 90 दिन। एक बार में आदमी की बॉडी से 450 ml खून दिया जाता है सिर्फ, और वो शरीर 2 दिन के अंदर उस खून की पूर्ति अपने अंदर कर लेता है। लेकिन शरीर में जो रेड सेल्स होते हैं उन रेड सेल्स की पूर्ति के लिए उसे 3 महीने का समय चाहिए होता है। इसीलिए एक व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट। अब अगला पॉइंट है हुम। हुम यानी कि किसे, खून आपको किसे देना। तो मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जिसे खून की जरूरत हो, किसी का ऑपरेशन होना है, किसी को चोट लग गई, कोई घायल है, तो उनको जब खून की जरूरत पड़ती है तब आपको ब्लड डोनेट करना पड़ता है। 2 तरीके से ब्लड डोनेशन होती है। एक ब्लड डोनेशन होती है ऑन कॉल, कि किसी को हॉस्पिटल में जरूरत पड़ी, उसने हमें फोन किया, आपको फोन किया, हम लोग गए और उसे खून दे करके आ गए। दूसरा तरीका होता है जैसे हम ये कैंप लगा रहे हैं, कैंप में हम खून दे करके आएंगे, वो ब्लड बैंक में रहेगा, और अगर किसी भी मरीज को जरूरत पड़ेगी तो वो अस्पताल से उस मरीज को खून दे दिया जाएगा। तो जरूरतमंद को देना है। अब अगला पॉइंट, अब है पॉइंट वाई। वाई माने क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड डोनेशन के अंदर, कि हमें ब्लड डोनेशन करना क्यों चाहिए, ऐसी क्या जरूरत है कि हमें ब्लड डोनेशन करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड एक ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनती, किसी दुकान में नहीं बनती, ये भगवान हमारे शरीर में बनाता है, और हम ही किसी को देंगे तो मिलेगा, अगर हम नहीं देंगे तो किसी को नहीं मिलेगा। ना बाजार से खरीदा जा सकता, ना बनाया जा सकता, आज तक तो कोई साइंस ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना पाया जिससे खून बन पाए। तो इसीलिए अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे का खून हमारे शरीर में आता है, अगर दूसरे को जरूरत पड़ेगी तो हमें खून देना होगा। तो इसीलिए सबको अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, सबसे बड़ी बात रक्तदान करने के इतने फायदे हैं जो आपको बिल्कुल निरोग और स्वस्थ रखते हैं। हमारे हार्ट के अंदर एक लोह तत्व होता है, जो आदमी रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उसका वो आयरन जो है वो कंट्रोल में रहता है, उस आयरन के बढ़ने की वजह से ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, जब वो आयरन और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा तो आपका दिल स्वस्थ रहेगा। जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनकी बॉडी में रेड सेल्स बनते हैं बहुत तेजी से ब्लड के अंदर, जिससे कैंसर का खतरा बहुत कम होता है, मोटापा घटता है, वेट कंट्रोल में रहता है, खून बहुत तेजी से बनता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, खून पतला होता है, उससे आपकी स्किन साफ होती है, चेहरे पे दाग धब्बे फुंसियाँ ये बीमारियाँ कम होती हैं, चेहरे की रौनक बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात जब आप रक्त दे करके किसी की जान बचाते हैं तो उससे जो खुशी मिलती है उससे बड़ा फायदा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो रक्तदान करने के इतने फायदे हैं, ये तो मैंने आपको बहुत थोड़े से गिनाए हैं जो नॉर्मल सबको पता है, लेकिन रक्तदान करने के अनेक फायदे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब सबसे लास्ट का हमारा सवाल आता है वेयर। वेयर माने कहाँ, कहाँ ब्लड डोनेट करें। सबसे पहले तो ऑन कॉल, आपके पड़ोस में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में किसी को भी जरूरत पड़ती है खून की और आपको पता लगता है और आप खून दे सकते हैं तो जाइए वहां रक्तदान कीजिए। नंबर 2, ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे हमारा एक कैंप लग रहा है, इस तरह का कहीं भी कैंप लगता है तो आप जाकर के वहां भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे अच्छा रास्ता है ब्लड डोनेट करने का, मान लीजिए अब ये तो कैंप लग रहा है, आपने आज कैंप में कर दिया, अब आपको कोई कॉल भी नहीं आई लेकिन आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, 3 महीने हो गए, तो रेगुलर ब्लड डोनर बनने के लिए आपको क्या करना है, हमारा एक नंबर है 8800505200, 8800505200। ये हमारी हेल्पलाइन है प्रज्ञा रक्त रक्षक की, जो पूरे भारत में काम कर रही है। किसी को भी खून की जरूरत होती है तो हम उसे वहां के क्षेत्र के जो भी हमारे ब्लड डोनर होते हैं उनसे हम ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप
इस नंबर पे कॉल करके अपने को एज ए ब्लड डोनर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके आसपास में किसी भी अस्पताल में किसी भी मरीज को कभी भी ब्लड की जरूरत होगी तो वहां से आपके पास मैसेज आएगा, आपको कॉल आएगा, आप जाके ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड आपके सभी कंसेप्ट, कभी सारी शंकाएं पूरी हो गई होंगी। ओके, आओ।